कश्मीर तक सीधी ट्रेन के लिए एक और कदम। बनिहाल में बनकोट टनल तैयार। रामबन जिले के बनिहाल में बनकोट टनल बनकर तैयार हो गई है। 300 करोड़ की लागत से बनी 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से राष्ट्रीय परियोजनाओं को एक और गति मिलेगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली किताब के इस्तेमाल पर रोक। स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया एक्शन। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर व लद्दाख में कक्षा 7 के इतिहास और नागरिक शास्त्र की किताब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। रजौरी में आतंकियों ने धमकी भरे पोस्टर चिपकाए। आरोपियों की तलाश जारी। रजौरी जिले के थाना मंडी में एक दुकान के बाहर आतंकियों ने धमकी भरे पोस्टर चिपका दिए। इसकी सूचना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टरों को कब्जे में ले लिया। आतंकियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पोस्टर चिपकाने वालों को तलाश करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। जम्मू कश्मीर में विदेश से आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य। संक्रमित यात्री डीआरडीओ अस्पताल जम्मू में होंगे भर्ती। विदेश से जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों को हर हाल में कोरोना जांच करवानी होगी। प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिया है। मंडल आयुक्त डॉक्टर राघव लंगर ने केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश का कड़ाई से पालन करने को कहा है। उपराज्यपाल बोले, जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य ढांचे पर 7,170 करोड़ किए जा रहे खर्च। कोरोना से निपटने के लिए सभी अस्पताल तैयार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी अस्पतालों को तैयार किया जा रहा है। जम्मू में कोरोना को लेकर प्रदेश में नए नियम जारी। 3 से ज्यादा मामलों वाला मोहल्ला बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 3 से ज्यादा मामलों वाले मोहल्लों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। 161 संक्रमित, 2 मरीजों की मौत। बता दें कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ा दी है ताकि मरीज जल्द पकड़ में आ सके और संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। भारत में 552 दिन बाद कोरोना के एक्टिव केस सबसे कम। नेपाल में ओमिक्रॉन के 2 मामले आए सामने। भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। वहीं कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है।